हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सो दिस द हेडिंग। सो मैं क्या हेडिंग हियर, हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्किट की। सो यहां पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर हम यहां पर यूज करते हैं ऑब्वियसली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि हमने बात भी की थी लास्ट क्लास में। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का पर्पज है यहाँ पर टू मेक द हाई वोल्टेज एसी इनटू द लो वोल्टेज एसी। एसी ही रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी पर, बट जो सेकेंडरी बाइंडिंग पर एसी जनरेट होगा वो होगा लो वोल्टेज एसी। और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया एक लोड एलिमेंट दैट इज आरएल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस रेक्टिफायर अक्रॉस आरएल। और यहाँ पर आउटपुट जनरेट हुआ वी नॉट। ओके, और जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो बनाया जाता है सिंपल एक सिंगल डायोड से। यहाँ पर जो रेक्टिफायर का इनपुट है वही हम कंसिडर करते हैं एज अ वी इनपुट, जो कि आउटपुट टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग से हमने ऑब्टेन किया है। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं ऑन दिस टर्मिनल वी अप्लाई द प्योर एसी having 220 volt VRMS 220 volt and 50 hertz, जो स्टैंडर्ड ए सी सप्लाई है होम अप्लाइंसेंस के लिए। ओके, तो 220 volt AC plus 50 hertz frequency। ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो हमने नॉर्मल यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया है N1:N2 है, जहाँ पर N1 greater than N2 है, जिसका मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहां पर यूज करने का पर्पस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? पहली चीज, हमें लो आउटपुट रेक्टिफायर डिजाइन करने हैं, यानी कि हम जो वी इनपुट चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कम वैल्यू ऑफ वोल्टेज का होना चाहिए। तो जैसा कि N1 greater than N2 एक ट्रांसफॉर्मर में जो टर्न्स रेशियो होता है N1/N2, इसके प्राइमरी के जो टर्न्स हैं उनको नंबर ऑफ टर्न्स को बोला गया है N1, N2 बोला गया है सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को, और यहाँ पर ये होता है V1/V2, दिस इज इक्वल टू I2/I1। तो अगर N1 greater than N2 होगा तो V1 greater than V2 हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज ज़्यादा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का कम होगा। अब हमें कितना वोल्टेज कम रखना है, कितना ज़्यादा रखना है, उसी हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। ओके, और दूसरा, डायोड भी इससे प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आपने डायरेक्टली सप्लाई से बिना ट्रांसफार्मर के कनेक्ट कर दिया तो डायोड का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि डायोड का वोल्टेज रेटिंग उतना ज्यादा नहीं होगा। हमने यहां पर जो डायोड यूज किया है वो लो वोल्टेज डायोड है। ओके, तो ये हमने कनेक्ट किया, यहां से करंट आई फ्लो होगा इन द सर्किट डायोड के अंदर, और जो करंट आई फ्लो है वो रेजिस्टेंस आरएल के अबाउट वोल्टेज ड्रॉप यहां पर करेगा। अकॉर्डिंगली डायोड यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है, तो वो जो करंट है वो ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि जो वी आई हमने कंसिडर किया है, जिसको वी आई नोटेशन दिया है, उसकी वैल्यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ Vm sin ω0t। तो वी आई क्या डिफाइन कर रहा है, वी आई इज ऑल्सो प्योर ए सी। वी आई कोई रेक्टिफाइड वेवफॉर्म नहीं है, रेक्टिफाइड तो तब होगी जब ये डायोड से पास हो जाएगी। अभी वी आई क्या है, प्योर ए सी है, प्योर ए सी। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं लो वोल्टेज, क्योंकि हमने एक इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से पास कर लिया है, तो ऑब्वियसली एक लो वोल्टेज एसी बन चुकी है, लो वोल्टेज एसी है वीआई। वीएम क्या है, ये इसका पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ वीआई इनपुट वोल्टेज, इसको हम बोल रहे हैं ना वीआई इनपुट वोल्टेज, आई इज स्टैंड्स फॉर द इनपुट हियर वीएम। ओके, ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफॉर्मर से जब आप पास करते हैं किसी इनपुट को, तो उसके जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगी। तो वीआई की जो फ्रीक्वेंसी है वो वही होगी जो लाइन फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ओमेगा नॉट को मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइन फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ, या मैं इसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता हूँ। ट्रांसफॉर्मर का काम ये नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करते, लाइन फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट टी को हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख दें, आर्ग्यूमेंट ये पूरा जो है इसको हम अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है, दैट विल बी इजी टू राइट।
सो वी आई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा नॉट टी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सिंपल साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होगी, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ वेवफॉर्म है डेफिनेटली, इस तरह से चेंज हो रही है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू भी कोई नई चीज नहीं है, पहले इसको नोट कर लो, आप स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से नोट कर लो इसको, लिख लिया आपने ना। जैसे वीएम हमने डिफाइन किया पीक वैल्यू है इसकी, वैसे ही हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि जो वीएम बाय रूट टू है वो क्या है, इसका वीआरएमएस है, यानी कि ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इनपुट। जो एसी हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन द डायोड या जो रेक्टिफायर पर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसका आरएमएस वैल्यू क्या है, वी आरएमएस, दिस इज वीएम बाय रूट टू। अब ऑब्वियसली जो ओमेगा नॉट टी है उसकी पॉजिटिव साइकिल, या अब हम यहां पर यूज कर रहे हैं अल्फा, तो अल्फा की पॉजिटिव साइकिल होगी जीरो टू पाई के बीच में, ओके, और नेगेटिव साइकिल होगी पाई टू टू पाई के बीच में। तो उस पर किस तरह से आउटपुट जो ऑप्टेन होगा वी नॉट, उसकी वेवफॉर्म को समझ लेते हैं। देखिए पहले यहां तक आपने नोट कर लिया इतना, लेट्स सी नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर द आउटपुट एंड इनपुट वेवफॉर्म हियर। लेट्स सी, सपोज हमने ये कंसिडर किया यहां से इनपुट वेवफॉर्म, और इसके रिस्पेक्टिवली हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं अब आउटपुट वेवफॉर्म को भी। वी इनपुट, वी इनपुट सपोज हमने अल्फा स्केल यहां पर ले लिया है ना, ओमेगा नॉट टी की वजह हमने यहां पर सिंपल अल्फा स्केल कंसिडर कर ली। सो दिस वी इनपुट इज वेरिंग लाइक दिस, साइनसोडल इनपुट है, इस तरह से ये चेंज होगा। सो ये है जीरो टू पाई इंटरवल, जीरो से स्टार्ट किया है ये पाई, यहां से टू पाई, ये आगे ऐसे चलता रहेगा थ्री पाई एंड फोर पाई एंड सो ऑन, और ये ऑब्वियसली ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन प्लस माइनस वीएम। जो अप्लाइड इनपुट हमने भेजा है वो प्लस माइनस वीएम पर क्या करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम यहां पर जो हमारे पास वी आई की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली ही यहां पर जो आउटपुट वेवफॉर्म हमें जनरेट होगी लाइक दिस। ओके, सो बिटवीन जीरो टू पाई, जब जीरो टू पाई का इंटरवल हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि केस वन वेयर अल्फा इज टेकन बिटवीन जीरो टू पाई। सो जीरो टू पाई में जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, वी आई विल बी ग्रेटर देन जीरो। जीरो टू पाई में वी आई क्या रखा गया, ग्रेटर देन जीरो है, तो जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो पी साइड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। डायोड का पी टर्मिनल कनेक्टेड है वीआई से डायरेक्टली, तो वीआई ग्रेटर देन जीरो है तो पी विल बी हाई, सो डायोड हम क्या बोल सकते हैं यहां पर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, बिल्कुल सही, डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो इस तरह से लिखा जा सकता है लाइक दिस। ये डायोड हो गया, आइडियल मान के चले तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डायरेक्टली यहां से जो आर एल है जिसके अबाउट वी नॉट जनरेट हो रहा है, और हेयर इट इज वी आई। तो दोस्तों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर इस सिचुएशन में दिस वी आई विल बी इक्वल टू वी नॉट, या हम बोले आउटपुट जो वी नॉट आएगा अब वो क्या आएगा, वो इक्वल टू वी आई आ जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है वही वेवफॉर्म आउटपुट की भी यहां पर जनरेट होगी जीरो टू पाई के बीच में, दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म वी नॉट, ये जनरेट होगी। अब देखिए पाई से टू पाई के बीच में क्या होगा, पाई से टू पाई के बीच में आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड विल बी रिवर्स बायस फॉर पाई टू टू पाई, यानी कि सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं वेयर अल्फा इज बिटवीन पाई टू टू पाई, ओके, तो पाई टू टू पाई में देखो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या है, नेगेटिव, वी आई इज लेस देन जीरो, so vi is less than zero, that means diode will be this time reverse bias, diode reverse biased hai, yani ki circuit ko agar main construct karta hu then circuit has to be look like this, this will be open circuited here, okay, aur yahan par load resistance rl connected hai, is tarah se rl connected hai, plus minus v not yahan par hai, aur ye hai vi, डायोड ओपन सर्किटेड है,
सो ऑब्वियसली नो करंट फ्लो, देर इज अ नो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, यानी कि वी नॉट विल बी जीरो दिस टाइम. वी नॉट कितना आएगा इस बार? जीरो वोल्ट आएगा. यानी कि पाई से टू पाई के बीच में अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं, देन इट इज जीरो. एंड ऑफकोर्स वंस अगेन इन द इंटरवल टू पाई टू थ्री पाई वही सिचुएशन होगी जो जीरो से जीरो टू पाई के बीच में है. ओके, थ्री पाई से फोर पाई में वही होगी जो पाई से टू पाई के बीच में है. तो दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म विल बी ऑब्टेन्ड. ओके, सो स्क्रीन को पॉज करके आराम से आप इसको नोट कर लें, एनालिसिस को केस वन केस टू एंड ये वेवफॉर्म. ओके, नोट कर लिया आपने. चलिए अब बात करते हैं, एनालिसिस करेंगे इसका आउटपुट करंट का. ओके, किस तरह से ऑप्टेन होगा, रिपल फैक्टर एंड सो ऑन, एक एक करके एनालिसिस की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, मेक ए हेडिंग. सो फर्स्ट लिखेंगे इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं इसको. अभी हमने एनालाइज किया वोल्टेज किस तरह जनरेट होगा, अब हम जानना चाह रहे हैं कि जो आउटपुट करंट है स्मॉल आई जो यहां पर फ्लो हो रहा है लोड आरएल के थ्रू, ओके, उसकी वैल्यू यहां पर कैसे ऑब्टेन होगी. तो जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की, यानी कि फर्स्ट केस जब हमने अल्फा की वैल्यू को जीरो टू पाई रखा, ओके, जीरो टू पाई के बिटवीन हमने देखा डायोड इज फॉरवर्ड बायस, है ना. तो डायोड क्या है इसमें, डायोड इज फॉरवर्ड बायस. डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो हमने डिस्कस किया था इन स्मॉल सिग्नल मॉडल, वी रिप्लेस द डायोड विद अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरएफ. ओके, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से हम उसको रिप्लेस यहां पर कर सकते हैं. तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस मींस ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू हो जाएगा आरएफ के. ओके, यानी कि आरएफ को हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस. डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ये आरएफ से रिप्लेस हो जाएगा. तो जैसे ही आप केवीएल फॉर्म करेंगे देखिए क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या है यहां पर, वी आई है, तो माइनस वी आई, करंट क्या जा रहा है आई, डायोड हो गया है लीनियर एलिमेंट यानी कि आरएफ, तो आई आरएफ प्लस आई आरएल इक्वल टू जीरो. ऐसे मैंने यहां पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया तो क्या आएगा देखो, माइनस वी आई प्लस, समझ पा रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमने लगाया, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाते हैं तो मैं यहां पर नेगेटिव लेता हूं, माइनस वी आई मैंने लिया. ओके, अगर आप पॉजिटिव लेते हैं देन इट्स ओके, बट मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं तो माइनस आया और करंट कैसे जा रहा है, स्मॉल आई, और ये क्या है डायोड, सो इसको हमने लिखा है रेजिस्टेंस से, तो आई आर एफ प्लस आरएल के अंदर भी कितना करंट जा रहा है, स्मॉल आई करंट जा रहा है, आई आर एल इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो. ओके, तो वी आई हमने लिख दिया है, तो आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहां से, तो करंट आई इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से वी आई अपॉन आर एफ प्लस आर एल, ये वैल्यू हमारे पास आ गई वी इनपुट की. क्लियर है इतना, सॉरी आई की वैल्यू. वी इनपुट क्या है, वी एम साइन अल्फा है, बिल्कुल सही. तो आई को वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल, ऐसे लिखा हमने, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी यूटिलाइज. ओके, साइन अल्फा, और इस वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल को हमने नोटेशन दे दिया आई एम का, यानी कि आई सफिक्स एम, दैट इज अ मैक्सिमम करंट, क्या होगा Vm अपॉन RF प्लस RL. अब ऑब्वियसली जब डायोड आइडियल होगा तो RF को क्या कर दो, जीरो कर दो, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब सिंपली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो RF की वैल्यू को हम बहुत नेग्लिजिबल मानते हैं, फ्यू ओम है. अब जब रिक्वायर्ड होगा करंट कैलकुलेशन में तो हमारे पास होनी चाहिए वो RF की वैल्यू, इसलिए हमने कंसिडर किया. समटाइम हो सकता है इसकी जरूरत ही नहीं पड़े आपको RF की वैल्यू की. ओके, तो ये लिखा हमने, तो इसको हमने लिखा आई एम इज इक्वल दिस, दिस इज अ मैक्सिमम आउटपुट करंट, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी आउटपुट करंट की. तो यहां से हमने लिखा आई इज इक्वल टू आया आई एम साइन अल्फा, ये कब आया, बिटवीन अल्फा जीरो टू पाई. ओके, अब बात कर लेते हैं वेयर अल्फा इज बिटवीन पाई टू टू पाई सेकेंड पार्ट की, यानी कि जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी,
समवेयर बिटवीन पाई टू 2 पाई होगी। तो इस कंडीशन में जब अल्फा क्या होगा पाई से 2 पाई के बीच में होगा तो हम बोलेंगे डायोड इज इन रिवर्स बायस, डायोड इज इन रिवर्स बायस। सो दिस इज ऑब्वियसली विल ऑफर द वेरी हाई रेजिस्टेंस, सो वी रिप्लेस इट विद अ ओपन सर्किट एलिमेंट। ओके, तो ये ओपन सर्किट होगा यानी कि इस कंडीशन में नो करंट फ्लो, यानी कि I इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो। मीन्स डायोड इज इन रिवर्स बायस, दैट मीन्स ओपन सर्किट, जब भी ओपन सर्किट होगा सो देयर विल बी नो करंट फ्लो। क्या लिखेंगे सीधा, नो करंट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होगा इसके अंदर। ओके, स्मॉल आई की वैल्यू मिल गई जीरो, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम यहां से करंट की कंप्लीट वैल्यू, जो इंस्टेंटेनियस करंट हमें लिखना है, आउटपुट करंट आई, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जीरो टू पाई जब है अल्फा की वैल्यू तो ये आ रहा है आई एम साइन अल्फा। ओके, और जब इसकी वैल्यू क्या है पाई से टू पाई है तो ये करंट आ रहा है जीरो, यानी कि करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई फाइनली इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट स्मॉल आई इज इक्वल टू आई एम साइन अल्फा फॉर जीरो टू पाई, जब अल्फा जीरो टू पाई है, एंड इट इज जीरो फॉर अल्फा बिटवीन पाई टू टू पाई। ओके, तो ये हमने यहां पर ऑप्टेन कर लिया है इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। बात समझ में आ गई आपको, I इज इक्वल टू आई एम साइन अल्फा फॉर जीरो टू पाई एंड जीरो फॉर पाई टू टू पाई। अब आप इसका वेवफॉर्म बना के देख सकते हैं, आई एम साइन अल्फा कैसे बनेगा, जीरो टू पाई में साइन होगा फिर जीरो फिर ऐसे हाफ वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म जनरेट होगा डेफिनेटली। अब इसमें हम इसकी आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं समटाइम, क्लियर है, इसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैलकुलेशन भी हम यहां पर कर लेते हैं। सो इसको याद रखिएगा वैल्यू को, आई एम साइन अल्फा जीरो टू पाई एंड जीरो फॉर पाई टू टू पाई। ये बार बार कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़े इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं डीसी वैल्यू की, यानी कि सेकेंड पॉइंट लिखें डीसी आउटपुट करंट। डीसी आउटपुट करंट क्या होगा, जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है करंट की उसी की डीसी वैल्यू, उसे हम बोलेंगे डीसी आउटपुट करंट आईडीसी। सो आईडीसी एज यूजुअल किसी भी करंट वोल्टेज की डीसी वैल्यू लिखने का यह फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला बता देता हूं आपको, देखो दिस इज जनरल फॉर्मूला, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला बट जस्ट आई एम राइटिंग इट फॉर योर कन्वीनियंस, आई डी अल्फा ऐसे लिखते हैं। अब हम यहां पर स्मॉल आई यूज कर रहे हैं, तो स्मॉल आई क्या है, आई एम साइन अल्फा है बिटवीन जीरो टू पाई, जीरो पाई टू टू पाई, तो उसका जो टाइम पीरियड है ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो कितना है टू पाई है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो आई डी सी हम लिखेंगे यहां से तो ऐसा कुछ आएगा वन बाई टू पाई टाइम्स। अब जीरो टू पाई के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, आई एम साइन अल्फा है, तो ऐसे लिखा हमने जीरो टू पाई दिस इज आई एम साइन अल्फा डी अल्फा प्लस बिटवीन पाई टू टू पाई, पाई से लेके टू पाई के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है जीरो, है ना, जीरो है, जीरो डी अल्फा। रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मूले को, आई एम गोइंग टू अवॉइड द कैलकुलेशन कंप्लीटली है, आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे इसको, आई एम को बाहर ले लेना, साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे टू आ जाएगा, है ना, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, तो आप ऐड करेंगे फाइनली माइनस टू आएगा, बट माइनस इज ऑलरेडी देयर सो टू एंड टू विल कैंसिल ईच अदर, सो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों दिस इज आई डी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई डी सी इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई। ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमें बार बार नहीं करनी, जस्ट आपको सिखाने के लिए समझाने के लिए मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, बट आपको सिंपली रिजल्ट्स को याद रखना है इन सभी को। चलिए ये हुआ डीसी आउटपुट करंट, नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट लिखें आरएमएस आउटपुट करंट, यानी कि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई है उसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं कितनी आ रही है, लिखेंगे थर्ड वन आरएमएस आउटपुट करंट, आउटपुट करंट, ये सब मैथमेटिकल एनालिसिस हैं, आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, याद रख लेंगे तो कैलकुलेशंस आपके बच जाएंगे, ठीक है, नहीं याद रखना है तब भी काम चल जाएगा, कभी भी सॉल्व करना हो तुरंत आप आंसर निकाल लेंगे।
आरएमएस का फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, देखो 1/T 0 to T, ओके, आई स्क्वायर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्क्वायर डी अल्फा, ऐसे लिखते हैं। यहां पर टाइम पीरियड कितना है, 2π है ऑब्वियसली, कैसे लिखा जाएगा देखो, अंडर रूट ऑफ 1/2π टाइम्स, या सीधा स्क्वायर करके लिख देंगे तो ये सब अंडर रूट वगैरह हट जाएंगे, है ना, बार बार अंडर रूट नहीं लिखेंगे, सीधा स्क्वायर करके लिख देते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर। तो 1/2π टाइम्स 0 to π में इसकी वैल्यू है, 0 to π में इसकी वैल्यू कितनी है, आई एम साइन अल्फा होल स्क्वायर डी अल्फा। मैं पूरा इक्वेशन लिख दूंगा और कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कर लेंगे इसकी, ठीक है ना, ये सब कैलकुलेशन में हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, आई एम सिंपली राइटिंग द आंसर। इतना इंटीग्रेशन तो हम कर ही सकते हैं ना, साइन स्क्वायर अल्फा को ब्रेक कर देना 1 - cos 2α/2 से इंटीग्रेट करोगे, cos 2 अल्फा वाला पार्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, कंप्लीट साइकिल हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/2π, आई एम स्क्वायर यहां से बाहर आ जाएगा, आई एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इतना बाहर आ गया आई एम स्क्वायर, ओके। और यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा π/2। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, इतना तो कर ही पाएंगे आप लोग, अपर लिमिट लोअर लिमिट वगैरह वगैरह। तो आई आर एम एस की वैल्यू आती है यहां पर im/2। यहां तक की कैलकुलेशन के बाद कोई बड़ी चीज नहीं है ना, साइन स्क्वायर अल्फा 1 - cos 2α/2 होता है, कॉस टू अल्फा का 0 से लेकर पाई में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो एक साइकिल के अंदर ऑब्वियस है कि नेट एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आंसर आएगा आई आर एम एस, ओके। स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से नोट कर लें आई आर एम एस को, ओके। हम जानते हैं कि जो पल्सेटिंग डीसी जनरेट हुई है, आउटपुट क्या है, बेसिकली पल्सेटिंग डीसी है, पल्सेटिंग डीसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी कॉम्पोनेंट। तो उसके अंदर दो कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, एक एसी कॉम्पोनेंट है और दूसरा क्या है, डीसी कॉम्पोनेंट है, यानी कि इसका जो नेट करंट है वो एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो एसी पार्ट है उसकी आरएमएस वैल्यू भी तो डिफाइन होगी, समझ पा रहे हो। देखो अभी आपको मैं रिलेट करके दिखाता हूं, पहले देखें, तो फोर्थ पॉइंट लिखना है इसमें, फोर्थ वन है आरएमएस एसी आउटपुट करंट, आरएमएस एसी आउटपुट करंट, इसको हम लिख रहे हैं स्मॉल आई डैश आरएमएस, ओके। देखिए जो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर है स्मॉल आई जो हमारे पास आया है ना, आई एम साइन अल्फा फॉर 0 to π एंड 0 फॉर π to 2π अल्फा वैल्यू, है ना। तो जो आई आया है उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो है क्या डीसी कंपोनेंट, ये क्या है दोस्तों, डीसी कंपोनेंट है, प्लस एक एसी कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट है, ओके। हम जानते हैं पल्सेटिंग डीसी मींस व्हाट, एसी प्लस डीसी, यानी कि ये बेसिकली है क्या, ये पल्सेटिंग डीसी है जो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर है, जो जिसको हम आई एम साइन अल्फा लिख रहे हैं वो पल्सेटिंग डीसी है, जिसमें डीसी कंपोनेंट भी है एसी कंपोनेंट भी है। तो यहां पर अभी मैं बात कर रहा हूं क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है कि ये आई आर एम एस जैसे है क्या, ये हम बात कर रहे हैं इस एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू की, समझ पा रहे हैं आप, दिस इज आई डैश आरएमएस, यानी कि मैंने स्मॉल आई को ऐसे लिख दिया कि ये आई डीसी है इसके अंदर कुछ और कुछ एसी है, यानी कि आई डैश है। तो जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, ये आई आर एम एस जिसको हमने लिखा आई एम बाई टू जिसकी वैल्यू आई, वो आर एम एस वैल्यू किसकी है, स्मॉल आई की है, यानी मैं लिख देता हूं यहां पे देखो, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज आर एम एस वैल्यू ऑफ स्मॉल आई, जो कि क्या है पल्सेटिंग डीसी, इसकी आर एम एस वैल्यू है ये कैपिटल आई आर एम एस, ठीक है। और जो आई डैश, इसको मैं कैपिटल लिख देता हूं, चलो आई डैश लिख देता हूं बस, जो आई डैश आर एम एस है, आई डैश आर एम एस ये क्या डिफाइन कर रहा है, दिस इज डिफाइनिंग आर एम एस वैल्यू ऑफ आई डैश, जिसको हम बोल रहे हैं एसी कॉम्पोनेंट। तो इसमें हम लोग आई आर एम एस डैश को ही फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, आई डैश आर एम एस की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट यहां पर करने वाले हैं। तो देखो जरा, क्या मैं आई डैश को ऐसे लिख दूं, आई डैश की वैल्यू इससे लिख सकता हूं ना, क्या आएगा स्मॉल आई माइनस आई डी सी, यह आ जाएगा
ओके, पहले स्क्रीन को रोको और फटाफट से इसको लिख लो, इतना नोट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं आगे, कंटिन्यू। हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है आई डैश आर एम एस। क्या कहता है फॉर्मूला, आई डैश आर एम एस इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ 1/2π 0 to 2π आई डैश स्क्वायर डी अल्फा, यही आएगा। इसके आर एम एस वैल्यू का फॉर्मूला ये होगा। ओके, इस फॉर्मूले में ले जाके ये जो वैल्यू है इसकी आई माइनस आई डी सी, ये इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो आई डैश आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2π को ब्रैकेट से बाहर ले लिया, चलो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा देखो, 0 to 2π आई डैश क्या है बेसिकली, स्मॉल आई माइनस आई डी सी होल स्क्वायर डी अल्फा। अब इस पूरी कैलकुलेशन जब आप करेंगे होल स्क्वायर को ओपन करके, तो फाइनल रिजल्ट यहां पर जनरेट हो जाएगा। चलो मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा तेज रखते हैं इसमें रफ्तार। 1/2π 0 to 2π ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ना, तो ऐसे लिख सकता हूं आई स्क्वायर डी अल्फा प्लस, देखते जाना सही लिख रहा हूं कि नहीं, सही लिख रहा हूं का मतलब है समझते रहना आप, आई डी सी स्क्वायर डी अल्फा और 2ab है ना, तो 1/2π 0 to 2π और यहां पे कितना आएगा 2 times ऑफ आई आई डी सी डी अल्फा, ठीक है, ये लिख दिया, करेक्ट है इतना, कोई कंफ्यूजन गुंजाइश नहीं यहां तक। देखो आई डैश आर एम एस इज इक्वल टू, ये हम जानते हैं क्या है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ आर एम एस, देखो फॉर्मूला कहां गया, ये स्क्वायर ऑफ आर एम एस है ना, यानी कि ये क्या है, ये है आई आर एम एस स्क्वायर प्लस 1/2π को अगर बाहर रखें और आई डी सी को हम बाहर ले लें, तो 1/2π आई डी सी स्क्वायर हो गया और ये 2π माइनस 0 इसकी अपर लोअर लिमिट आ जाएगा, क्योंकि आई डी सी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डीसी पार्ट है ना, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लिया 2π माइनस 0 2π विल कैंसिल ईच अदर, सो यहां पर आएगा आई डी सी स्क्वायर माइनस 1/2π को बाहर लिया 2 IDC को बाहर लिया, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, IDC बाय पाई बच गया यहां पर, IDC बाय क्या बच गया पाई और ID अल्फा बच गया, या आप ऐसे लिखो, देखो थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं, देखिए इसको हमने 2 IDC को ही बाहर लिख दिया, ठीक है 2 IDC को बाहर रखा, थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रांग करो अपना, 2 IDC को हमने बाहर रख दिया, ब्रैकेट में लिखा 1/2π 0 to 2π ID अल्फा, ये होता है एवरेज वैल्यू, तो ये हो गया IDC। इसको समझ लेना मैंने कैसे लिखा है, एक एक स्टेप में ब्रेक करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स है। सो आई डैश ये स्क्वायर है, आई डैश आर एम एस होल स्क्वायर इक्वल टू ये 2 IDC हो गया, क्या आ गया देखो आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि इसे आप याद रख लें, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो या हाफ वेव रेक्टिफायर हो, दोनों में ये काम आएगा, आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बार बार डिराइव करने की, सीधे आप इसे रट्टा मार कर दें, ठीक है, आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। ये नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़ते हैं इसको, है ना, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल को जब हम इसकी आर एम एस वैल्यू निकालते हैं तो ये अप्रोच हम यूज करते हैं वहां पर। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ उसको, पहले नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से लिखिए आपने इतना। चलो सिंपल से एग्जांपल से बता देता हूं, एक बार थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। देखें v इक्वल टू मैंने लिखा है ऐसे 20 + 10 साइन ओमेगा टी, ठीक है, या i लिख लेते हैं, i की फीलिंग आएगी, i लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया i। तो इसका डीसी पार्ट क्या है, आई डी सी 20 है, ठीक है, और जो आई डैश है वो क्या है, आई डैश 10 साइन ओमेगा टी। अब समझ पा रहे हैं आई डैश का मतलब क्या है, ये आई डैश है, तो आई डैश आर एम एस क्या है इसका 10/√2 है, ठीक है, आई डी सी क्या है 20 है, तो क्या हम आई आर एम एस निकाल सकते हैं इसका, बिल्कुल, तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या आएगा, इसको रीअरेंज कर लो फॉर्मूले को होल स्क्वायर करके, इसको इधर भेज दो, आई डी सी स्क्वायर यानी कि 20² + 10/√2 होल स्क्वायर। ये क्या फाइंड हुआ, ये फाइंड हुआ आर एम एस वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि मैं इसमें आपसे पूछू फाइंड आर एम एस वैल्यू ऑफ आई, तो ये वो आया है, ये आंसर है,
बात समझ में आ गई, दिस इज द एसी पार्ट एंड दैट इज द डीसी पार्ट, इन दोनों से मिलके बना है आपका पल्सेटिंग डीसी स्मॉल आई। ओके, सो आगे का डिस्कशन रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी और अदर पैरामीटर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। आप वेव रेक्टिफायर में कंटिन्यू रहेगा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।